सबसे पहले प्रवीण जी, आपको आपके जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू। प्लीज़ आप बताएं कि आज आपका जन्मदिन मनाया है और खास करके आपने आज फिल्म की भी लॉन्च की। जी जी, प्लीज़ बताएं आज क्या कहना चाहेंगे। जी आज मेरा बर्थडे है, तो इस खुशी में मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको थैंक यू सो मच, जितने लोग यहाँ आए एंड मेरे फ्रेंड, मेरी फैमिली, और मेरा बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट मेरी मूवी की लॉन्चिंग, जिसे मैंने प्रोड्यूस किया है। और ये एक गांव की लड़की की स्टोरी है, जिसमें मैं मालती का रोल किरदार कर रही हूँ, जो एक छोटे शहर से आके मॉडल बनती है मुंबई में आके, और एक बड़ा नाम कमाती है। मालती के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है उस लड़की को। ये स्टोरी एक छोटे से गांव की स्टोरी है, एक रियल स्टोरी है। तो कुछ ही मंथ में ये स्टार्ट होने वाला है शूटिंग, तो आगे देखते हैं। और आप खासकर आप यूपी से ताल्लुक आ चुके हैं, कानपुर से। यस। और कानपुर से मुंबई तक का सफ़र आपका कैसा रहा? जी, कानपुर से मुंबई तक का सफ़र मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन था, और कहीं ना कहीं यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और आगे मुझे बहुत मेहनत करना है सक्सेस होने के लिए। बॉम्बे तो मैं किसी भी हाल में पहुँच गई, लेकिन मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ यहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरी फैमिली में बिल्कुल अलाउ नहीं था फिल्म लाइन में काम करना, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेलने पड़े मुझे। तकलीफ ये हुई थी कि मेरे घर पे क्या था कि फिल्म लाइन में कोई भी काम नहीं किया था आज तक, तो फादर को, मदर को ये लगता था कि मैं कैसे करूँगी यहाँ काम, क्योंकि मैं अपने फैमिली में अकेली थी जो इस लाइन में इंटरेस्टेड थी। ऐसा था। कैसा एक्सपीरियंस रहा जब मुंबई आप आए, कैसा एक्सपीरियंस लगा कि जो पापा मम्मी कहते सही है? नो, मुझे जो मैंने चाहा वो मैं बस करके दिखाना चाहती हूँ। ऐसा जैसे आपने कहा फिल्म की कहानी गाँव से है, फैशन की बात हुई, लेकिन गाँव की जी हाँ, एक ही छोटे से शहर की स्टोरी है। मतलब एक छोटे से शहर की लड़की आती है जो गांव की होती है, उसको इंटरेस्ट होता है मूवी में काम करने का, फिल्म में काम करने का, तो वो मालती का किरदार इसमें निभा रही है। तो शहर से जब, गांव से जब शहर आती है बॉम्बे में, तो वो मॉडल के रूप में प्रेजेंट अपने आप को करती है, स्ट्रगल करती है बहुत ज़्यादा, अपने आप को प्रूव करती है अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव को, कि वहाँ अलाउ नहीं था ये सब। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके लिए बहुत ईजी नहीं था, तो डिफिकल्ट था, लेकिन उसने अपने आप को प्रूफ किया उसमें, इस स्टोरी में, जैसा कि ये प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लड़की के लिए ये अच्छा साबित हो सकता है, जो लड़कियां दबी रहती हैं घर पे या किसी को अलाउ नहीं होता है, आगे बढ़ने से रोका जाता है, तो एक सीख मिलेगी इस स्टोरी को देख के लड़कियों को। सच कहानी है ये, कहीं ना कहीं से कहीं आपकी कहानी जी, कहीं ना कहीं मेरे, नहीं मेरी रियल स्टोरी तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बस चीज़ें हैं मिलती जुलती, रियल स्टोरी मेरी नहीं। ट्रू स्टोरी। या हर लड़कियों को इसमें सीख मिल सकती है, जो गांव की लड़कियां हैं जिनको घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये सब चीज़। 2023 में आज भी सब होता है? होता है, एग्जैक्टली होता है। या यूपी में अभी ये है, छोटे छोटे गांव में ऐसा है, हर जगह ऐसा है, कहीं नहीं गाँव में है ऐसा अभी। जी आज भी है ऐसा, ये कायम है कहीं ना कहीं, पूरी तरीके से नहीं गया ऐसा फाउंडेशन जो भी है लड़कियों के लिए। कास्टिंग कॉल वगैरह होती है जी? कास्टिंग कॉल भी होती है?
जी मैडम काफी हाथ है, मतलब बताइए। ऑफ कोर्स होती है, क्यों नहीं होती है, जैसे कि प्रवीण जी ने बताया। यस, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगी प्रवीण जी को, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज मतलब जो इस खास मौके की हकदार है सबसे पहले यही है, और इसी खुशी के मौके पे ये इतनी बड़ी लॉन्चिंग कर रही है, जो अनाउंस कर रही है, दिस इज़ ऑल अबाउट फैशन इंडस्ट्री। सो अ ट्रू स्टॉय ऑफ फैशन बैक स्टेज, आई थिंक स्टॉय जो है वो फैशन इंडस्ट्रीज में लड़कियों को जो एस है वो सेक्स टॉय के नाम से कहा जाता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी इंस्पिरेशन हो सकती हैं, एक छोटे से शहर यानी कि गांव से एक लड़की जब फैशन इंडस्ट्री में आएगी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और जब मैंने सुना इस स्टोरी के बारे में तो मुझे लगा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड मैं हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मैं भी दिल्ली से हूँ और मेरा नाम अन्नू कपूर है, और ये मुझे बॉम्बे में आकर जो मेरा नाम मुझे मिला है, इससे पहले अगर एज एन एंकर आप देखेंगे संगीता कपूर के नाम से एज एन एंकर मैं काम कर चुकी हूँ, लेकिन बॉम्बे में आके ये दोनों नाम मेरे हैं, लेकिन अन्नू के नाम से, अन्नू कपूर के नाम से अब मैं एज एन एक्टर काम कर रही हूँ। सो बहुत ही अच्छा लगा, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस स्टोरी का मतलब हिस्सा बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कास्टिंग काउच को लेकर अगर आप बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और यही एक गोल है कि ज़रूरी नहीं होता कि इसी के ज़रिए आपको सक्सेस मिलती है। अगर आप मतलब शिद्दत से या कॉन्फिडेंटली या आपके पास टैलेंट है तो उस तरीके से भी आप सक्सेस पा सकते हैं। तो ये इंस्पिरेशन हम चाहेंगे कि जो आने वाला यूथ रहेगा, जो और भी गर्ल्स रहेंगी, अगर कहीं ना कहीं हम अगर उन्हें इंस्पायर कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जी बिल्कुल, जहाँ तक औरतों का सवाल है, जब तक वो हाँ ना कहे, तब तक कोई मर्द एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक आप हाँ नहीं करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी को आप गलत नहीं कह सकते, नारी शक्ति है ऑफकोर्स है, लेकिन वो करने के लिए भी बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, तो हैट्स ऑफ मैं तो यही कहूँगी, लेकिन हर किसी का अपना तरीका होता है। सो किसी को जल्दी सक्सेस मतलब ज़रूरी होती है, कईयों की बहुत मजबूरी होती है, लेकिन उस मजबूरी को गलत तरीके से बहुत चीज़ें होती है तो वो नहीं होनी चाहिए। जी ये मेरे ख्याल से फ्लोर पे जाएगी बहुत जल्द शूटिंग होने के बाद, और इसमें कहीं ना कहीं वो स्टोरी दिखाई गई है जो रियल है सबके लाइफ में, कहीं ना कहीं जिसके घर पे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन है जो आगे नहीं बढ़ पा रही उसके लिए एक प्रेरणा होता है। जी कुछ अभी बाकी है, कुछ चल रहा है अभी ऐसा। कास्टिंग में आप लोग हैं कोई और कौन कोई कास्टिंग? जी मैं हूँ और आप बताइए, आपको तो पता होगा कि खासकर पहले भी फैशन बन चुकी थी। जी फैशन बन चुकी, फैशन के लिए चल रही है, तैयार है कि क्रेज क्रेज सीखने वाला है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आपको क्या लगता है उस कहानी और इस कहानी में कितनी अंतर? बहुत अंतर होने वाला है, जिस तरह से पहले फैशन मूवी थी उसमें भी बहुत मतलब इंस्पायर हुए थे, जिस तरह से वो स्टोरी थी और जो वो करेक्टर प्ले किया गया था वो भी एक डिफरेंट जोन में था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि क्या क्या सामना करना पड़ता है। तो जो जिस तरीके से फैशन इंडस्ट्री में आकर सामना करना पड़ता है और इसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती है ये दर्शाया जाएगा, तो ये 5 लड़कियों की जीवन पर आधारित है जिसे दिखाया जाएगा। आप लोगों के आशीर्वाद से 24 ईयर हो गया मुझे इंडस्ट्री में, और काफ़ी कॉर्पोरेट शो, अवार्ड शो, कुछ मूवीज मेरे रिलीज हैं और अभी कुछ मूवी मेरे रिलीज पे हैं, और ये साल में 4 से 5 मूवी और कर रहा हूँ मैं जो अभी तक फाइनल हो चुका है, बट नाम जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इंडस्ट्री का भी हालात सही चल नहीं रहा है। लोगों का जो मानसिक संतुलन मैंने बताया था आपको कि अभी इंडस्ट्री में हर डिपार्टमेंट को प्यार की ज़रूरत है, एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत है। एटीट्यूड घमंड दुनिया में कहीं नहीं रखना चाहिए, उससे किसी का कोई भला होता नहीं है। और हम इंडस्ट्री वाले आर्टिस्ट या कोई भी डिपार्टमेंट है ना, हम लोग तो प्यार के भूखे हैं, वो चाहे पब्लिक हो या हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर, कोई भी, हम सब एक दूसरे के सहयोग और प्यार के भूखे हैं, हम एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं।
तो मेरा बस सबसे यही रिक्वेस्ट है इंडस्ट्री में, बस मुझे भी प्यार चाहिए और आप लोगों का सहयोग चाहिए सबका। और अगर मुझसे कहीं किसी के लिए कुछ गलती होती है तो मैं उस सब कहते हैं ना कि दिल दुखाना नहीं है मुझे किसी का, अगर कहीं मैंने किसी का दिल दुखाया इंडस्ट्री में तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ मैं, और आगे से कभी कोशिश करूँगा ऐसा कुछ हो नहीं, ठीक है ना। लेकिन हम कलाकार हैं, कहीं ना कहीं हमसे भी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, किसी का दिल दुखाना कुछ भी, क्योंकि जब काम के लिए हम ईमानदार होते हैं ना, तो मेरी एज ए कोरियोग्राफर सिर्फ एक ही चीज़ रहता है, सबसे कंप्लेन या लोगों को मुझसे कंप्लेन हो जाता है, मैं परफेक्शन की तरफ ध्यान देता हूँ। अगर आर्टिस्ट में या हमारे रिहर्सल में अगर परफेक्शन नहीं मिला तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं है शूटिंग में, विदाउट रिहर्सल कोई रिजल्ट नहीं है दुनिया के अंदर। हम चाहेंगे जा करके ऑन द स्पॉट जो है ना बहुत बड़ा गाना शूट कर ले, मैं बहुत बड़ा लीजेंड कोरियोग्राफर बन जाऊँ, आर्टिस्ट कोई बन जाए, कोई नहीं हो सकता है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है नए जो बच्चे आ रहे हैं आर्टिस्ट हैं या पहले से जो लोग हैं, रिहर्सल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बड़े बड़े लीजेंड लोगों ने कहा है कि हम जब तक, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग इशारा समझ सकते हैं मीडिया में, आप लोगों को तो एक एक पल का रिपोर्ट मालूम है कब कौन क्या बोलता है। तो हमारे लीजेंड लोगों ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे सीखना है। यस, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। सर बताइए, आज मैम का बर्थडे है। सर ये हमारे जो भाई हैं, हमारे दोस्त हैं जीत जी, इन्होंने सारी चीज़ों को जो है मैनेज किया है, अरेंज किया है यहाँ पे, ये ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने। और मैम से मैं मिला हूँ तो मैम के अंदर चीज़ें क्या है कि ये भी कुछ नया करने के लिए जो है कोशिश कर रही हैं एज ए प्रोड्यूसर, एज ए आर्टिस्ट। और इन्होंने जैसा कि स्टोरी के बारे में बताया कि ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के हर लड़की, इंडस्ट्री जाने दीजिए, दुनिया के हर लड़की के दिल को ये टच करती है ये चीज़ें कि आखिर एक लड़की जब घर से निकलती है तो उसका घर से निकलने के बाद, अपने माँ बाप को छोड़ने के बाद, उसके लाइफ में नया स्ट्रगल कहाँ कहाँ शुरू होता है। एक लड़की घर से निकलती है, स्कूल जाती है, ठीक है, उसका एक नया दुनिया शुरू होता है, वहाँ पे भी तो एक स्ट्रगल है ना। लड़कियाँ जब कॉलेज जाती है, वहाँ नए लोगों से मिलना, नया कल्चर हो जाता है, टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, पब्लिक हो गई, रास्ते में आना जाना, छेड़खानी, बहुत कुछ होता है ना दुनिया में। तो एक लड़की जब घर से निकलती है ना, लड़कियों को तो ऊपर वाला माफ़ करे मुझे, लेकिन वाकई में पैदा होने के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रगल लड़की को करना पड़ता है, हर फील्ड में, हर जगह पे, हर रास्ते पे, हर गली में, हर मोहल्ले में। अब क्या मैं बोलूँ, देखिए जैसे टाइटल दर्शाता है कहानी फैशन की, तो पता चलता है कि फैशन का वाकई प्रभावी को बहुत शौक है, उसके प्रति रुझान है। और सोने पे सुहागा जो कहते हैं वो वाकई हो गया, इनका जन्मदिन भी है और फिल्म का अनाउंसमेंट भी है, तो इससे बड़ी बात इनके लिए क्या हो सकती है और हमारे लिए क्या हो सकती है कि ऐसे शुभ अवसर पर हम लोग मिल रहे हैं, हम तो मिल रहे हैं, तो वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और विश यू वंस अगेन अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। मैम आपका क्या है, मैम सर आया, आपके कैसे सर आया यहाँ पे? ओके सर यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे जन्मदिन पर आए, तो थैंक यू सो मच। मैं उनकी पीआर कर रहा हूं, कम है ये भी उस फिल्म में सर, आप सर को भी लेंगे फिल्म में, ऐसा कुछ प्लान है जी? एब्सोल्युटली सर को लूंगी मैं, क्यों नहीं, आप यहां तक आए मेरे लिए तो क्यों नहीं लोगे। थैंक यू सर, फोटो ले। पहले तो बर्थडे गर्ल को हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, जो भी ये सपने लेके शहर पे आई हुई है उसका सारा सपना पूरा हो, मैं यही आज दुआ करती हूँ। ठीक है, मैं तमस्ट्रीम कर दी, मुझे आज जीत जी ने बुलाया है और स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं है, बट जितना भी मुझे पता है स्टोरी बहुत दमदार है। और एक सिर्फ गांव की लड़की नहीं सर, चाहे शहर की लड़की हो, चाहे कहीं की भी हो, हमारी इंडिया को, ऑल ओवर वर्ल्ड लड़कियों को हर कदम पर कुछ ना कुछ सहना ही पड़ता है, चाहे वो बड़ी सेलिब्रिटी हो और चाहे किसी गांव की छोटी सी लड़की हो, सहना ही पड़ता है। तो यही एक कहानी है। हाँ पूछिए सर, आप भी इंडस्ट्री से आपको कुछ कास्टिंग कौशल कुछ ऐसी कोई घटना हुई थी या पता? ऐसा नहीं है सर कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है और होता नहीं है, मुझे भी बहुत ऑफर आते हैं और जब से मैं 9 साल से मुंबई में रह रही हूँ सर,
और शायद मेरा स्ट्रगल अभी भी चालू ही है, मैं कर ही रही हूँ. अभी मैं तारक मेहता के उल्टे चश्मा में कर रही हूँ एडिटिंग, और अभी जगह पे है सीरियल हमारी. तारक मेहता की बात करो, तारक फिल्म उनकी प्रोड्यूसर पे कुछ ये सब बातें सामने आई थी सर? नो कमेंट. बट सच में मैं सेट पे काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं. सेट पे काम करके मुझे बहुत मजा आ रहा है. बहुत सारे आर्टिस्ट हो चाहे प्रोड्यूसर हो डायरेक्टर हो सभी अच्छे हैं, बट चलता है सर कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं. तो मैम एक तरफ आप ये दिखा रहे हैं कास्टिंग कोच कुछ ऐसी महिलाएं भी है जो लालचन लगा पहली बार छोटा कुछ नहीं तो ये भी कुछ होगा फिल्म का पहलू होगा. दो पहलू सीखने को होते हैं, एक होता है बाकी कुछ लोग है बिल्डिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो कुछ नहीं करते लड़के उसको बदनाम कर देती है, ये भी होता है सर. लालचन दुनिया बहुत कुछ कहती है, लेकिन जिसको आगे बढ़ना होता है ना, वो कहते हैं ना जिसके अंदर जुनून है वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो किसी का नहीं सुनता, फिर वो अपने काम पर ही फोकस करके आगे निकल जाता है. तो इसमें यही स्टोरी है, लोग दुनिया कहती है बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने काम पर फोकस्ड है वो, काम करके वो आगे निकल जाता है. जी जी फिल्म में स्टोरी ये है ना. पहले मुंबई को नमस्ते, मुंबई मीडिया को नमस्ते. मेरे नाम पद्मनायक है, मैं साउथ इंडियन एक्ट्रेस हूँ. तेलुगु में 8 फिल्म में हीरोइन काम किया था. एंड बंजारा लैंग्वेज माई मदर टंग इज बंजारा लैंग्वेज, मेरा लैंग्वेज में 8 फिल्म किया था. अभी मुंबई में रहने के लिए मुझे बहुत शौक है, तो अभी सेकंड टाइम आ गई हूँ मुंबई में. तो बहुत अच्छी हीरोइन है, और यहाँ बर्थडे विशेष करने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ. फैशन कहानी के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, बट लेकिन फैशन है तो मतलब कास्टिंग कोच तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रहती है, कास्टिंग कोच रहती है लड़की लोग की, बाहर रहती है, घर से स्टार्ट होती है, गांव से, विलेज से, गली से, दिल्ली तक रहती है कास्टिंग कोच. फिल्म इंडस्ट्री सेव रखती है, फिल्म इंडस्ट्री कला है मेरा मदर है, मीडिया है मेरा बाप है. आज तक मैं यहाँ पहुँची हूँ मीडिया के सपोर्ट से, मेरा मेहनत से, हार्ड वर्क करे तो कोई कास्टिंग काउज नहीं करते हैं, काम से होती है, डांस से होती है, अच्छे से ढंग से काम करना है, ढंग से नाचना है, डायलॉग करना है, तो कास्टिंग काउज नहीं होती है ये धरती के ऊपर. कास्टिंग काउज ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, सब बोलते हैं लड़के अपन को टैलेंट रहना चाहिए, अपन ढंग से काम करना है, तो कोई कास्टिंग काउच नहीं करते, अगर काम नहीं आती है कास्टिंग काउच बोल तो क्या है, झूठों को बात है, ये गलत बात है. कास्टिंग काउच इसमें एग्री नहीं हूं, इसमें एग्री नहीं है, इसमें एग्री नहीं है. ये कहानी के बारे में अपना अपना देखो, उनका एक्सपीरियंस नहीं है कुछ, ऐसे बता रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस हुआ उनका कुछ नहीं हुआ. दैट्स व्हाई थैंक यू सर. आप कहेंगे? हां सर. सर रवि जी को पहले तो जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है. रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, उसके संदर्भ में मुलाकात हुई उनसे, तो बस आगे पीछे मैं चाहता हूँ उनकी पिक्चर रिलीज हो, पैसा कमाओगे और मेरे पास वैसे पैसा दे और फ्लैट खरीदो, जो भी जितना उसकी जितनी है अभी जितना कमाएगी डिपेंड ना, मेरे ख्याल से बंगलो खरीद ले भैया. मैं प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास वो है ट्रू स्टोरी है, कैलाश खेर मेरे पास आया था इसी तरह. ये तो फिर भी बहुत अच्छे कपड़े पहन के बैठी है, इतना खर्चा, उसके पास कुछ नहीं, चप्पल पहन के आया था मेरे ऑफिस में, ऐसे ही बोला किसी ने मिलाया ऑफिस में बैठा आके, ट्रू हाँ, वो अगर खाली बोले तो कान के नीचे बजाऊं. आया मैंने सुना उसका गाना, मैं क्या करते होता सिंगर हूँ, मतलब सुनाया तो मेरे को तो इतना अच्छा लगा, सीधा घर पे लेके गया अपने टेरेस पे, वहाँ बिठाया मेरे घर के लिए, वो मेरे बच्चों के लिए सिर्फ गाना गाता था मेरे पास आके बकायदा, फिर मैं उसको छोड़ देता था खाना पीना खिला के, फिर मैंने उसको फर्स्ट फ्लैट दिया उसको रेंट पे रहने के लिए, फिर उसने मेरे से फर्स्ट फ्लैट खरीदा RTO में.
उसके बाद आजकल वो रह रहा है, आज उसकी वैल्यू 100 करोड़ के ऊपर है एट द मोमेंट। नहीं नहीं, हाँ जू पे बंगलो में गोविंदा के अपोजिट में आरामनगर में उनका स्टूडियो है खुद का, उसके अंडर में कम से कम 50-100 लोग काम करते हैं एट द मोमेंट। रवि, रवि जी के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जैसा उसके लिए किया वही मैंने उसके लिए किया ना, कैलाश खेर जब भी वो लड़का हो गया उसके लिए कर सकता हूँ, ये तो लड़की है मेरा कोई लेना उससे क्या मेरा। आप कितनी उम्मीद रखते हैं? टैलेंट नहीं नहीं, वो अपने टैलेंट पे आगे आया ना, टैलेंट था और मैंने टैलेंट पकड़ा उसका, इनका पकड़ा हूँ अभी 10% तक टैलेंट मेरे को समझ में आ रहा है अभी एट द मोमेंट, जैसे जैसे अभी प्रोग्रेस हो गए नेवर नो। रावी जी को पहले तो बोलते हैं इनके जन्मदिन का हार्दिक शुभेच्छा, और जी हजार साल साल के दिन 50,000 ठीक है पूरा कर दिया मैंने। चालू है मेरा। हमें बहुत खुशी हो रही है कि रावी जी ये पिक्चर बनाने जा रहे हैं, उनके साथ अगर कुछ हम लोग का सहयोग रहेगा तो हम कर सकते हैं, अगर चीज़ अच्छी लगी तो 50,000 करोड़ रुपया भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन पैसा रिकवरी होना चाहिए क्योंकि आज के डेट में पैसा रिकवरी होता नहीं है। फिल्म बनाते हैं प्रोड्यूसर को फंसा देते हैं, पैसा लेके अटक जाता है, ये पैसा आता है ये तो आदि पुरुष के और लोगों में परिवर्तन होता है। 2017-18 में मैं पैसा 1 करोड़ रुपया दिया था सूरज सिंह करके, जिसकी वाइफ थी रीना सिंह प्रोड्यूसर, राजकुमार राव की पिक्चर बनाए थे हमने ब्रस्टेड वन साइड लव, उसमें राजकुमार 1 करोड़ खर्च किया है, अभी पिक्चर वो पड़ी है। इस तरह से बच्चन साहब से लेके आप कितने एक्टर हैं? मेरे को तक सबकी फिल्म पड़ी है सर। पड़ी है क्योंकि आप पैसा अगर किसी का लेते हो तो पैसे की गारंटी होना चाहिए कि क्योंकि पैसा लगता है तो पैसा फिर इसके बाद हमने पिक्चर बनाया पवित्र गंगा जल, उसके बाद कार्पोरेट गेम बनाया, कम से कम 40-50 गाने बनाए, और आज के डेट में मेरे पास कम से कम 3 ऐसे प्रोड्यूसर हो जो 50-50 करोड़ रुपया लगाने को तैयार होते हैं, क्योंकि चीज़ अच्छी होना चाहिए। तो चीज़ तो मैम जो कह रही जो सच कहानी है, मैम जो कह रही अच्छी कहानी कास्टिंग मैडम की कहानी अच्छी है, मैडम अच्छी है, इनके घर परिवार अच्छी है, चीज़ अच्छी लगेगी तो इनके 1 करोड़ रुपया हम लोग दे देंगे। चलो मैम 1 करोड़ आ गया। आपकी आपकी अपनी फिल्म अभी ऑनसेट जाने वाली है, आप सब कितने वाले 30 तारीख तक हम लोग जा रहे हैं पिक्चर भोपाल करने, जो उसका नाम है 12.5 घंटा, एक रियल कहानी है जिसके डायरेक्टर प्रदीप जी राजा और अमन जी शर्मा जी हैं और उसके अंदर एक प्रोड्यूसर और हमारे साथ हमारे मित्र अरविंद त्रिपाठी से जो भोपाल से मिला करते हैं और पी आर कंपनी जो है जी जी का है, बाकी उनके सहयोगी आप लोग ओके।